अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय शो। आप देख रहे हैं कुकिंग विद उज़्मा बाबर और मैं हूं आपकी होस्ट उज़्मा बाबर। मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम आपके साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करेंगे। मटन कढ़ाई या कढ़ाई गोश्त बहुत ही फेमस डिश है पाकिस्तान, इंडिया और बड़े सगीर में। तमाम ही लोग इसको बहुत शौक़ से बनाते हैं और तकरीबन हर घर में ही ये डिश तैयार की जाती है। तो चलें, आज मैं आपको अपने घर की बहुत सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो नोट कर लें। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए यहाँ मेरे पास ये मटन का गोश्त है, तकरीबन 250 ग्राम। प्याज हमें चाहिए एक अदद, दरमियाने साइज़ की, स्लाइस कर लें। 2 टेबल स्पून फ्रेश कोरिएंडर है मेरे पास गार्निशिंग के लिए। 3 से 4 हरी मिर्चें, बीच से आप इसको काट लें। नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून, यह हस्बे ज़ायका। ऑयल हमें चाहिए 1 कप। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, मोटा मोटा मैंने इसको काट लिया है। ये मेरे पास साबुत धनिया और ज़ीरा साबुत था जो मैंने दरदरा कूट लिया है, ये 2 टेबल स्पून है। कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर हमें चाहिए पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर हमें चाहिए 1 टीस्पून। पैन में ऑयल शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल, 1/2 कप बचाएंगे। अब इस ऑयल के अंदर हम ये गोश्त भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हम इसको भून लेंगे ताकि इसकी बू सारी निकल जाए। पाँच मिनट गोश्त को भून लेने के बाद हल्का सा ये फ्राई भी हो गया है, इससे हल्का हल्का कलर आ रहा होगा। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे सेंटर में, प्याज ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर लेंगे। और ये कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1/2 क्वांटिटी हम इसी के अंदर शामिल करेंगे और 1/2 बचाएंगे। दोबारा से इसको अच्छा सा भूनेंगे। अब इस गोश्त के अंदर हम तकरीबन 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर गोश्त गलने तक पकाएंगे। गोश्त अब गल चुका है और प्याज भी इसके अंदर गल चुके हैं। आप देखेंगे कि बिल्कुल भुना हुआ मसाला सा एक तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ये टमाटर डालेंगे और हरी मिर्चें भी इसी के अंदर हम ऐड कर लेंगे। अब इसको मज़ीद हम पकाएंगे टमाटर के ही पानी के अंदर, कोई पानी हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। और टमाटर थोड़े कच्चे हैं, थोड़े पक्के, बिल्कुल इसी तरह हमारे टमाटर होंगे। हम इसको हल्की आंच पर दम लगा के दोबारा से पकाएंगे। टमाटर अब गल चुके हैं और मसाला भी बिल्कुल अच्छे से भून चुका है, बस अब ये रेडी है। लास्ट में हम इसको तड़का लगाएंगे। मज़ेदार मटन कढ़ाई सर्विंग के लिए तैयार है। गरम गरम इसको सर्व करें रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ, सलाद और रायते के साथ हम इसको सर्व कर सकते हैं।
अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।